Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. ग्यारह मई 1998 भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इसी दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शाम को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि आज हम राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण करेंगे। इसके बाद पूरा दुनिया में भारत एक परमाणु संपन्न देश बन गया और यह भारत के लिए बहुत ही गौरव और प्रतिष्ठा की बात थी, और पूरे दुनिया को भी मानना पड़ा कि भारत अब एक परमाणु संपन्न देश बन गया है। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। पहले कोई भी देश भारत को आंख दिखा देता था, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत एक परमाणु संपन्न देश है और यह आज हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है।